तो ये देखो प्यारे बच्चों, अगर इस वाले क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर एक यहाँ से एक कन्वेक्स लेंस है डीप इन लिक्विड में, रिफ्रैक्टिव इक्वल टू रिफ्रैक्टिव लेंथ, फोकल लेंथ कितना होगा? देखो अगर कोई यहाँ से कन्वेक्स लेंस है और इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लेंस की μ1 है और बाहर यहाँ μ2 है, बाहर μ2 है, तो अगर μ1 ग्रेटर देन है μ2 से, तो ये जो है वो कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है, आप पढ़े होगे, ठीक है ना। लेकिन ये केस फर्स्ट है। केस टू में अगर मान लो बाहर का मीडियम अधिक हो जाता है, तो ये डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है। अगर मान लो μ2 इज़ ग्रेटर देन μ1, तो ये जो कन्वेक्स लेंस है वो अपना नेचर बदल लेता है। तो अगर ये जो बीम आएगी डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, फोकल लेंथ यहाँ निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना, और वहाँ पर फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाता है। तीसरा केस बचा, केस थर्ड, अगर μ1 बाहर का मीडियम μ1 μ2 बराबर हो जाए, तो ये हालांकि आप इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हो, तो ये जो है वो प्लेन ग्लास लेंस की तरह भी है, फोकल लेंथ इसकी इन्फिनिटी टेंड करती है, यहाँ फोकल लेंथ निगेटिव टेंड किया, यहाँ फोकल लेंथ पॉजिटिव टेंड किया, समझ में आया? तो इस लॉजिक से मतलब ये आप पढ़े होगे, थियोरी में पढ़े होगे, नहीं तो मैं मैथमेटिकली भी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे तो आप पूरा मेरा वीडियो देख लोगे तो बहुत ज़्यादा यार प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लगभग मैं डिस्कस किया हूँ, तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। तो जो बी ऑप्शन है वो अपना सही है, ठीक है ना। या सेकेंड मेथड ए है, सेकेंड मेथड ए है क्वेश्चन का, गो थ्रू द फार्मूला, ठीक ना। 1/ फोकल लेंथ इज इक्वल टू म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, बाहर का मीडियम, -1 इज इक्वल टू 1/R1 -1/R2। यहाँ से तो यहाँ से मैं लिख सकता म्यू ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ मीडियम -1 के इक्वल आ जाएगा, और N/R1 -1/R2 यहाँ से। तो यहाँ से म्यू ऑफ ग्लास माइनस म्यू ऑफ मीडियम इज इक्वल टू म्यू ऑफ मीडियम। और अगर तुम देखोगे अगर ये दोनों बराबर हो गए, तो ये वाली जो चीज़ है अगर बराबर हो गए μ1 μ2 बराबर, तो ये क्या आ गया, पूरा फैक्टर है जीरो आ गया। तो 1/ फोकल लेंथ इधर जीरो आ गया, तो जो फोकल लेंथ आ जाएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/0, दैट इज़ यहाँ से इन्फिनिटी को टेंड करेगा। माधव चोर कुछ भी बोलता है यार।